बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुबई की अपडेट्स ये हैं कि दुबई ने 5,000 नए यानी कि हॉस्पिटल में 5,000 बेड्स का मज़ीद इंतज़ाम करने का ऐलान कर दिया है कि 5,000 बेडों वाला हॉस्पिटल बनाया जाए कोरोना के लिए, कि इसमें कोई भी कोरोना का आता है तो इन 5,000 यानी कि थोड़ा साइड पे बनाने की उन्होंने कहा इजाज़त दी है कि फौरी तौर पर इस पर अमल किया जाए। 5,000 बिस्तरों वाला एक नया हॉस्पिटल तामीर करने का दुबई ने ऐलान कर दिया। और दुबई में इस वक्त जितने लोग मुतासिर हुए हैं कोरोना की वजह से, उसकी मैं तादाद बताता हूं, 11,929 इस वक्त तक पूरे यूएई में इस वक्त हुए हैं। और पूरे यूएई में जो है दुबई डेथ हुई हैं वो 58 हो चुकी हैं। तो इस वक्त जो है 58 डेथ हो गई हैं और उसमें 11,929 जो है इस वक्त पूरे यूएई में कोरोना से और ये वबा जो लोगों को लगी है अब तक है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो है 32 लाख हो चुकी है। और इससे जो लोग इस वजह से कोरोना की वजह से जो लोग मरे हैं उनकी तादाद 2.5 लाख तक पहुंच गई है। और पाकिस्तान में जो इस कोरोना से पूरे पाकिस्तान में जो है वो 15,700 तक पहुंच गई है। और इसमें जो फौत हो चुके हैं वो 346 लोग फौत हो चुके हैं। ये कुछ अपडेट थी, मैंने कहा आप तक पहुंचाऊं। अपना ख्याल रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई से नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मास्क पहन के दुबई में अगर आप हैं या किसी भी यूएई की किसी रियासत में मास्क और पहन के बाहर निकले, क्योंकि जुर्माने का 1,000 जुर्माना है जो मास्क के बगैर बाहर निकलेगा। बाहर अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला आप सबकी और हम सबकी हमेशा हिफाजत। अस्सलामु अलैकुम।